अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मदरसा मौलाना आज़ाद अपर प्राइमरी स्कूल जोधपुर राजस्थान। माई सेल्फ नसरीन अब्बासी, उर्दू टीचर। मजमून यानी सब्जेक्ट उर्दू, दर्जा तीसरी, तारीख 26 अगस्त 2021। सबक एक, सारी दुनिया के मालिक। ये नज़्म है, नज़्म हम पढ़ चुके हैं, इसके सवाल जवाब भी कर चुके हैं, आज हम इससे आगे का काम करेंगे। आज हम करेंगे खाली जगह। हर मिसरे को सही लफ्ज़ से पूरा कीजिए। ये नज़्म का मिसरा दिया हुआ है और इसमें सही लफ्ज़ क्या आएगा वो इसमें भरना है। सब खाली जगह अनोखे सबसे निराले, तो यहाँ क्या आएगा, से, सबसे अनोखे सबसे निराले। जोत है खाली जगह जल और थल में, इसमें क्या आएगा, तेरी। जोत है तेरी जल और थल में। पास, बास है तेरी फूल और फल जगह में, किसमें, फूल और फल में। बास है तेरी फूल और फल में। तू है खाली जगह घर का उजाला, किसका उजाला है, अंधेरे घर का। तू है अंधेरे घर का उजाला। सोच में खाली जगह वाले, सोच में दिल बहलाने वाले, ये खाली जगह है। ये इस तरह से आपको खाली जगह भरनी है और नोटबुक में लिखनी है। फिर है पढ़िए, समझिए और लिखिए। ये अलीफ और बे दिया हुआ है, क्या ये, सुख दुख, दिन रात, अच्छा बुरा। अलिफ के तहत लिखे गए अल्फाज बे में लिखे हुए अल्फाज की जुद है, यानी कि अलग अलग है। जैसे के, जैसे काला की जुद सफ़ेद, सुबह की जुद शाम, इसी तरह लफ्ज़ों के मुतजाद बॉक्स में लिखें। मतलब जैसे अभी ये ना, जैसे दिए हुए हैं सुबह शाम सुख दुख, ये क्या है, जुद है, इनको बोलते हैं मुतजाद, मुतजाद अल्फाज, यानी कि जो दिया हुआ लफ्ज़ है उसका उल्टा माननी वाला लफ्ज़, जो लफ्ज़ दिया है उसका बिल्कुल उल्टा माननी वाला लफ्ज़ मुतजाद अल्फाज कहलाता है। जैसे ये है तैरना, तैरना का क्या होगा, डूबना। पास, दूर। थल, थल का क्या होगा, जल। जागना, जागना का क्या होगा, सोना। प्रजा का राजा। उजाला, उजाला का क्या होगा, अंधेरा। ये हो गया हमारी खाली जगह और मुतजाद अल्फाज। ये आपको नोटबुक में उतारने हैं, अच्छे से लिखना है, याद करना है। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।